हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 चैप्टर 2 होल नंबर्स पढ़ेंगे। तो देखो, होल नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो हम लिखते हैं होल नंबर। देखिए, होल नंबर क्या होते हैं, हमारे हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। तो जैसे 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से इन्फिनिटी तक, है ना। तो होल नंबर आप कैसे याद रखोगे, ये 0 से स्टार्ट होगा। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से करके इन्फिनिटी तक चलेगा। इसी तरीके से अगर आपको नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे, ये किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो इसे 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से चलते हैं, है ना। तो देखो, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट है, लेकिन अगर इस नेचुरल नंबर को होल नंबर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, इस 1 के आगे 0 लगा दोगे। तो 0 से स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, हमारा होल नंबर बन जाएगा। अब इस तरीके से, अब आप देखिए प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर क्या होते हैं। तो ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है, प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर। देखिए अब ये क्या होता है, अब देखिए प्रेडिसेसर यानी कि जस्ट पहले का। जैसे अगर मानो हम कोई भी डिजिट लेते हैं, हमने लिया 25, ये कोई डिजिट है। अब इस डिजिट का हमें क्या चाहिए, प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर आपको फाइंड करना है। तो प्रेडिसेसर क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड की डिजिट, और सक्सेसर क्या होता है, राइट हैंड साइड की डिजिट। जैसे कि या तो आप ऐसे समझ लो, प्रेडिसेसर यानी जस्ट इसके पहले वाली डिजिट। अब जैसे 25 है ना, तो 25 से जस्ट पहले क्या आएगा अपना, 24, है ना। तो इसका प्रेडिसेसर क्या हो गया अपना, 24। कैसे आया, आप क्या लिखोगे, प्रेडिसेसर इज इक्वल टू जो भी आपको डिजिट दी हुई है उसमें क्या कर दोगे, -1, है ना। यानी कि इससे जस्ट हम एक कदम पहले चले गए, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड की जैसे 25 है, तो -1 करेंगे तो कितना जाएगा, 24। तो ये 24 आ जाएगा। अब सक्सेसर यानी कि जस्ट उसके बाद वाली डिजिट, जैसे 25 है तो इसकी जस्ट बाद क्या आती है अपनी, 26, ठीक है ना। होल नंबर होना चाहिए अपना, ऐसे नहीं पॉइंट में आप बोलो, होल नंबर चाहिए आपको। तो सक्सेसर क्या हो जाएगा अपना, 26। कैसे आया, 25 में आपने +1 करा। तो इसको लिखने का तरीका कैसे होगा, आप क्या लिखोगे, सक्सेसर इज इक्वल टू 25 + 1, कितना आ जाएगा आपका, 26। तो अगर आप राइट हैंड साइड की तरफ चलोगे तो आपको सक्सेसर मिलेगा, आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रेडिसेसर, यानी कि इसके जस्ट पहले वाला तो ये हो जाएगा, और जिसके जस्ट बाद वाला आपका सक्सेसर हो जाएगा। और इसको लिखने का तरीका यही है कि प्रेडिसेसर लिखना है तो क्या करेंगे, 25 - 1 कर देंगे, 24 आ गया। और सक्सेसर के लिए हम क्या करेंगे, 25 + 1 करेंगे तो 26 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है अपना टॉपिक, कंपेयरिंग नंबर ऑन द नंबर लाइन, कि अपना सेकंड टॉपिक है। अब इसमें आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो नंबर लाइन अगर हम बनाएं, जैसे तो जैसे ये नंबर लाइन है, हमने क्या लिया यहाँ पे, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से आप लिख दोगे, है ना। माइनस में भी लिखना चाहो तो आप माइनस में भी लिख सकते हो, जैसे ये इसको आगे बढ़ा देते हैं अपन, ऐसे -1 - 2, इस तरीके से कहीं कहीं तक भी लिख सकते हैं हम, ना। तो हमने की नंबर लाइन बना ली। अब हमें कंपेयरिंग करना है, यानी कि कोई भी डिजिट है, जैसे मानो हमने यहाँ पे क्या करा, ये 0 है, 0 से स्टार्ट किया। तो 0 के अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे, है ना, ये वाले अगर हम इधर की तरफ चलते हैं, ये क्या है हमारा, राइट हैंड साइड है। अगर आप इधर की तरफ चलोगे तो डिजिट हमेशा क्या हो जाएगी, ग्रेटर, यानी बढ़ती जाएगी। जैसे अगर हम बात करें 1, है ना, और यहाँ पे बात करें 2, तो अगर आप 1 से लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड साइड की तरफ चलोगे 2, तो ये क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 > 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करते हो, है ना, इधर की तरफ वाली डिजिट, तो ये क्या होती है हमारी, हमेशा लेस देन होती है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं -1 और ये -2, है ना, तो यहाँ -1 आ गया और ये -2, हमने ऐसे लिख दिया। तो -2 स्मॉल है, -1 क्या है, ग्रेटर है, क्योंकि राइट हैंड साइड की तरफ है और ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली डिजिट क्या जाएगी, स्मॉल आ जाएगी। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है कि कोई सी भी डिजिट ले लो आप, जैसे अगर हमने 2 भी लें तो 3 तो ज़्यादा है, है ना। तो राइट हैंड साइड की तरफ अगर डिजिट है तो ये कितना हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा। और अगर इसी के 2 के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखें तो कितना है अपना, 1 है, तो 1 लेस देन हो जाएगा।
तो इस तरीके से हम किसी भी डिजिट को नंबर लाइन पे कंपेयर भी कर सकते हैं कि राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे तो वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन, और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हो तो वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी। अब है हमारा नेक्स्ट एडिशन ऑन द नंबर लाइन। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो, अब हमें एडिशन करना है, तो नॉर्मल तो आपको एडिशन करना आता है। जैसे अगर मानो हमने बोला नॉर्मल एडिशन के लिए कि 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है, तो इसी चीज़ को हमें अब क्या करना है, नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है कि नंबर लाइन पे इसको हम कैसे शो करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक नंबर लाइन बनानी होगी, तो देखो एक नंबर लाइन बनाते हैं, हम क्या लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक लिख लेते हैं। अब हमें पता है कि 2 + 3 कितना आता है, 5, तो इसका आंसर हमारा क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो सबसे वाली फर्स्ट डिजिट अपनी यहाँ पे क्या है, 2 है। सबसे फर्स्ट वाली डिजिट अपनी क्या है यहाँ पे, 2 है ना। तो सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, और सबसे पहले डिजिट क्या है अपनी, 2। तो 0 से हम जंप करेंगे डायरेक्ट 2 पर, सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है। बात समझ में आई, यानी जो भी डिजिट आपको दी हुई है, जैसे 2 है उसमें 3 ऐड करना है, तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो सबसे पहले जो आगे वाली डिजिट होगी ना, तो 0 से डायरेक्ट वहाँ पर जंप करना है, तो 0 से हम कहाँ पर आ गए, 2 पर आ गए। अब उसके बाद हमें कितनी डिजिट चाहिए, 3 है ना। तो 2 के बाद अब हम क्या करेंगे, 3 बार जंप करेंगे। तो 2 के बाद एक बार हमने यहाँ पर जंप किया, ठीक है, तो ये अपना कितना हो गया, 1 टाइम हो गया, इसको अपन बोलेंगे 1 टाइम। इसी के बाद ये फर्स्ट टाइम हो गया, फिर 3 पर आ गए, फिर एक बार और जंप करो, यहाँ पर आ जाएंगे, ये कितना जगह अपना, सेकंड टाइम। इसके बाद 1, 2 एक बार जंप और करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर आ गए हम, ये जंप किया हमने, अब ये कितना हो गया, 3 टाइम। और हमें क्या करना था, 2 में 3 ऐड करना था, तो 2 के बाद कितनी बार जंप किया आपने, 1 के सेंटीमीटर पर 3 टाइम्स, यानी पहले 2 से 1 एक बार जंप करेंगे तो 3 पर आ जाएंगे, फिर जंप करेंगे तो 4 पर आ जाएंगे, फिर जंप करेंगे तो 5 पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से 2 से हमने जब 3 बार और जंप किया ना, 2 में हमने 3 डिजिट और ऐड करी, तो हम कहाँ पर पहुँच जाएंगे, 5 पर। तो देखो 2 + 3 5 था, है ना, 2 + 3 कितना था अपना, 5 था। और यहीं से 2 से हमने जब 3 बार जंप किया, यानी 1, 2, 3 बार जंप किया, तो हम कहाँ पर आ गए, 5 पर आ गए। तो इस तरीके से आप एडिशन कर सकते हो नंबर लाइन पे। जैसे एक नंबर और लेते हैं अपन, हमने लिया